दोस्तों जुआ केसरी पार्ट 3। दोस्तों मेरा इस तरह का वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ सोचा भाई साहब मजा आ गया, सोचा कि पार्ट 3 बना देंगे, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत मजा आ रहा है इस तरह का वीडियो बनाने में, है ना। देखो वीडियो देखने में, देखो क्या, देखो मैंने पहले का दो वीडियो बनाया पूरा कीचड़ से ढक दिया था, अब ऐसा कि भाई साहब जो मेरा ब्राउन कलर का कीचड़ है ना सच का, तो वही खत्म हुआ। देखो मेरे ठीक से मैं लगा भी नहीं पाया, मैं क्या करूंगा, इतना कीचड़ लाया था पूरा एक बोरा भर के खत्म हो गया। मैं क्या करूंगा, फिर से नया और भी लाऊंगा बोरा भर के और भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पहले इसको मैं बताता हूं, आज कुछ नया बताने वाला हूं। भले कीचड़ है अलग बात है, वो आपको मजा आएगा, लेकिन साथ में कुछ अलग कुछ नया दिखाने वाला हूं। आप उस वीडियो को आराम से शांति से देखो, आपको कुछ अलग फील होने वाला है आज। चलो दोस्तों सीधा पॉइंट पे, मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये हमारा एनआर कार वॉश शैम्पू है, ये ट्रांसपेरेंट फोम कैनन है ना। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है हम सबका लिंक दे देंगे, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। यस, प्रोडक्ट बोलने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, 5 लीटर शैम्पू है, 1 लीटर शैम्पू है, 1/2 लीटर शैम्पू है, हाँ माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, और फिर वो क्या बोलते हैं उसको, जो कार को वाइप जो पोछने वाला एक दूसरा एक होता है, जो कार को अप्लाई शैम्पू अप्लाई करने वाला एक होता है, वो हैंड ग्लोव टाइप होता है वो है। तो कई सारी चीज़ें हैं, सबका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जा करके खरीद सकते हो सब चीज़ें। और मैं देखो आपको वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा कुछ हटके कुछ करता हूँ, है ना। बाकी आपको तो पता है भाई कार वॉश वगैरह कैसा क्या करना होता है, बाकी इस तरह का मशीन का परफॉर्मेंस कैसा है सब चीज़ें दिखाने के लिए मैं कुछ हटके करता हूँ, ताकि आपको बोर ना फील हो, है ना। और देखो आज कुछ नया है तो मैं कुछ नया दिखाने वाला हूँ। ये देखो आज हम क्या करेंगे, हर वीडियो में मैं क्या करता हूँ, पहले कार में मार देता हूँ पानी और उसके बाद मैं फोम मारता हूँ। आज क्या करेंगे, जो पूरा मट्टी जो है ना इसमें डायरेक्टली हम फोम अप्लाई करने वाले हैं, और उसके बाद देखेंगे इस फोम अप्लाई करने के बाद जो मट्टी जो है ना सॉफ्ट होकर ऑटोमेटिकली नीचे कैसा गिरता है, मैं आज आपको मैं वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ, देखना। हाँ यस, ये देखो, ओ हो मलाई है एकदम, देखो ज़रा कैसा गिर रहा है, देखो वाओ, और क्या फोम है यार, क्या फोम है भाई साहब, वाओ, ओ हो लुक ही अलग है, देखो ज़रा, ओ हो दिख रहा है आपको, देखो मैं पूरा नहीं मार पा रहा हूँ, देखने के लिए कितना खूबसूरत सीन है, देखो कीचड़ किस तरह से, देखो पैटर्न बन के गिर रहा है, फोम और कीचड़ एक साथ में, मतलब ऐसा मतलब आंखों को ठंडक पहुंच जाए इस तरह का एक कुछ अलग एक सीन है। देखो जरा दिखाओ, थोड़ा आराम से दिखाओ, उसको कैमरा ज़्यादा मत हिलाओ, आराम से दिखाओ, और देखो जरा नीचे किस तरह गिरा है, देखो ये देखो पूरा गाढ़ा गाढ़ा फोमिंग कीचड़ के साथ मिक्स, देखो जरा, ओहो हो हो देखो ज़बरदस्त कितना खूबसूरत गाढ़ा गाढ़ा फोम आ रहा है। ये है हमारा एनआर कार वॉश शैम्पू का कमाल, और ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट जो फोम कैनन है इसका कमाल, देखो जरा, ओहो वाओ, वो मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ एक अजीब सा चॉकलेटी टाइप मुझे फील हो रहा है, जैसे देखो चॉकलेट मेल्ट होकर गिरता है ना जब गर्म होने के बाद, उस तरह का दिख रहा है, देखो इतना खूबसूरत लग रहा है मुझे, देखो जरा, वाओ, ओहो हो हो, किस तरह कीचड़ देखो सॉफ्ट होकर के गिर रहा है, ऑटोमेटिक गिर रहा है खाली शैम्पू की वजह से, हमने शैम्पू अप्लाई करते साथ ही गिरने लगा है, वाओ, देखो जरा फोमिंग का परफॉर्मेंस तो देखो यार, दिल खुश हो जाए देखने से, हाँ कितना ज़बरदस्त है एकदम। और क्या चाहिए बताओ प्रोफेशनल कार वॉशिंग के लिए, एक्चुअली ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ही लो बजट के अंदर आप इस तरह का प्रोफेशनल कार वॉशिंग अपने घर पे कर सकते हो। एक्चुअली मैं 2-4 सालों से ना, देखो वाह मेरे बोलती बंद हो रहा आज देख करके, क्या दिख रहा है यार कीचड़ किस तरह का, देखो ना शैम्पू से मिक्स होकर गिर रहा है, मतलब क्या बताऊँ यार, देखो ज़रा इधर सीन देखो ज़रा, ये देखो नीचे किस तरह गिर गया, देखो पूरा मट्टी गिर रहा है शैम्पू के साथ, वाह दोस्तों ये देखो हमने फुल कार को जो है ना हमने फोमिंग अप्लाई कर दिया है, अब सीधा इसको क्या करेंगे, कपड़ा नहीं मारेंगे क्योंकि पूरा कीचड़ कीचड़ है ना, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको पानी मारेंगे, अब मारेंगे पानी, और देखना पानी मारते साथ जो ना कीचड़ है ना पूरा गायब हो जाएगा,
कार बिना टच किए ऐसे ही, मतलब 90% ऐसे ही क्लीन हो जाएगा, देखना मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इतना कीचड़ है, हमने हाथ नहीं लगाया। और यहाँ पर वीडियो का कट मत करना, कंटिन्यू चलने देना, नहीं तो लोग बोलेंगे वीडियो एडिट करके बनाए बोल के, है ना। थोड़ा अगर वीडियो लंबा हो जाए ये वाला सीन पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो यहाँ पर लंबा चलने देना। क्योंकि देखो हमने शैम्पू अप्लाई कर दिया है ना, और कीचड़ पूरा कार पे भरा हुआ था, और हमको टच भी नहीं करना, उसका हाथ भी नहीं लगाना है, 90% जो है ना कार ऐसे साफ़ हो जाएगा। लेकिन आपको हाँ फाइनल जो है ना आपको फिर से कपड़ा तो मारना है, लेकिन देखना बिना टच के देखना कितना सॉफ्ट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा आधा से ज़्यादा, मतलब 90% तो ऐसे क्लीन हो जाएगा। ये देखो प्रेशर मारते साथ ही, क्योंकि शैम्पू जो हमने जैसा अप्लाई किया ना तो कीचड़ जो है ऑलरेडी सॉफ्ट हो गया है। ये देखो और आप कभी भी कोशिश करना कार के बॉडी में जो आप फोम अप्लाई करोगे है ना, तो फोम कार के बॉडी पे सूखने से पहले आप उसको क्लीन कर ले, और कार का जो बॉडी है वो ठंडा रहे, ठंडा रहते रहते आपको इस तरह का फोम अप्लाई करना है। कार की बॉडी जब गर्म रहता है ऐसे में आप फोम अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो वो क्लीन ठीक से नहीं होता है, तो फोम अप्लाई करना नहीं करना एक ही बराबर है। और सर को तो हमारे लिए तो मजबूरी हो जाता है कि हमारे पास तो वॉशिंग सेंटर नहीं है, शेड नहीं है, तो हमको मजबूरी में धूप में बनाना पड़ जाता है। अभी क्या सुबह के 7:30 बजे होंगे, पर अभी देखो इतना गर्मी के टाइम इतना जल्दी धूप आ गया, क्या करेंगे बता। देखो मस्त एकदम क्लीन हो रहा है, और प्रेशर भी देखो ज़बरदस्त है मशीन का, ये IMX D7 है मशीन। आप चाहे तो कोई भी मशीन ले सकते हो, अपना जो फेवरेट मशीन वगैरह एक दो मैं दे दूँगा कम बजट के अंदर। ये देखो अलग बिल्कुल पूरा फीचर हो गया है। देखो क्या यहाँ पर पूरा देखो सीमेंट का कंक्रीट रोड है ना, तो यहाँ पर तो भाई अपने को कीचड़ मिलेगा नहीं, ऑफ रोडिंग तो होगा नहीं ऊपर से बलेनों से, है ना। तो फिर मैंने कोशिश किया कि भाई अपने हाथों से पूरा कार को लगा दिया मैंने कीचड़, और फिर मैं आपको कार वॉश करके दिखा रहा हूँ कि देखो किस तरह का वॉशिंग हो जाएगा वो। अच्छा और एक बात देखो, मैंने कुछ दिन पहले ना ये देखो इस टायर को मैंने पॉलिश लगाया था है ना, और पूरा डस्ट से भर गया था प्लस कीचड़ भी हो गया था। लेकिन पॉलिश लगाने से क्या होता है, देखो सिर्फ मैंने प्रेशर मारा और बिल्कुल देखो एकदम टायर एकदम चकाचक क्लीन, और मैंने हाथ भी नहीं लगाया। तो पॉलिश लगाने से क्या होता है, भले उसमें वापस डस्ट चिपक जाए, पर जैसे नेक्स्ट टाइम जब आप वॉश करोगे ना तो ईजिली रिमूव हो जाता है, पूरा गंदा एकदम ईजिली निकल जाता है, चकाचक हो जाता है। देखो पूरा मट्टी जो भी है चकाचक एकदम क्लीन हो जाएगा प्रेशर मारते साथ। देखो कितना हम पानी मारा यहाँ पर उतना ज़्यादा निकल रहा है, अंदर तक चला गया वो कीचड़। देखो मट्टी कितना सॉफ्ट हो गया है, और देखो जरा शैम्पू मारते साथ ही खाली प्रेशर से ही पूरा मट्टी रिमूव हो रहा है। ये देखो पूरा हमने 5 मिनट के अंदर 90% तो यू ही हमने क्लीन कर लिया है ना। चलो अभी इसमें क्या करने वाले, फिर से हम इसको फोम अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो नॉर्मली जो एकदम कीचड़ भरा हुआ था है ना, उसके बाद हमने पानी मार दिया, अब जो है ना फाइनल एक बार फोम मारेंगे तो उसके बाद चकाचक क्लीन हो जाएगा। नहीं तो अभी जैसे कि हमें पानी मार दिया इसके बाद हम कपड़ा कैसे मारेंगे, है ना, कपड़ा ऐसा नहीं मारना है आपको, तो इसलिए एक बार फोम अप्लाई करने के बाद ही कपड़ा मारेंगे। तो इसको हम फिर से एक बार 100 ml शैम्पू डालेंगे,
क्विक कनेक्टर कहाँ गया, यही प्रकार पर रखा था मैंने। चलो दोस्तों देखो फिर से हमको कनेक्ट करना है और हम फिर से अप्लाई करेंगे। नमस्कार नमस्कार। ये देखो चलो हम फिर से उसको इस बार क्या हल्के में अप्लाई करेंगे, हल्का अप्लाई करेंगे, ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा नहीं मारेंगे, ऊपर ही ऊपर मारेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना, और फटाफट इसको क्लीन कर लेंगे। ये देखो हल्के में मारेंगे क्योंकि हमने इसको एक बार फोम अप्लाई किया हुआ था, इस वजह से ऊपर ही ऊपर मारेंगे हल्का हल्का पतला करके। एक्चुअली आप इस तरह का अगर हल्का फोम मारोगे ना तो एक बार फोम आपने मिक्स किया ना शैम्पू तो दो तीन कार में वॉश कर सकते हो, ऐसा 100 ml शैम्पू ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही कार में लग जाएगा, है ना। ये देखो ये पूरा कार में लग गया एकदम शॉर्टकट में, है ना। ये देखो पूरा लगाने के बाद देखो आधा भी ख़त्म नहीं हुआ, मतलब तीन भाग का एक भाग ख़त्म हुआ, इतने में अभी एक कार गया और फिर इतने में और एक कार जाएगा, फिर और एक इसमें और एक कार जाएगा, इतना ऐसा मतलब एक बार मिक्स कर आप तीन बार भी वॉश कर सकते हो, ये तीन कार वॉश कर सकते हो एक बार मिक्स कर से मिक्स करके, है ना। और आपको हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि जो कार हुआ है ना हर बार आपको दो बार फोम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में हो जाता है, वो तो कीचड़ भरा हुआ था इस वजह से मैंने दो बार अप्लाई किया। अच्छा हमारा माइक्रोफोन कॉलर का है दो हमको दो। अच्छा ये हाँ ये देखो ये चीज़ है, इसको ऐसा हाथ के अंदर डालो ऐसा मस्त ऐसा अप्लाई करो ऐसा, ये देखो ये ज़बरदस्त चीज़ है, वो काम करने के लिए एकदम फास्ट होता है इससे और हाथ भी बिल्कुल सेफ रहता है, कहीं पर लगने वाने का डर नहीं रहता है। चलो दोस्तों एक काम करेंगे, अभी वीडियो को लंबा नहीं बनाएंगे, है ना। देखो इस तरह का आपको मस्त अच्छे से चकाचक क्लीन कर लेना है पूरा फुल कार को मार के, है ना, और उसके बाद पानी मार के मैं आपको फाइनल दिखाता हूँ कि कार कितना चमक रहा है, देखना। यस चलो मैं अभी पूरा फाइनली, है ना, क्लीन करने के बाद मैं आपको फाइनल दिखाता हूँ कार मेरा कैसा चमक रहा है। दोस्तों ये देखो कार एकदम चकाचक क्लीन हो गया है, देखो ज़रा मस्त एकदम चमक रहा है। तो देखो वीडियो को और लंबा नहीं बनाएंगे, मुझे और कुछ ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है, बाकी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, है ना, तो आप वहाँ से जा करके खरीद सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।